नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी कंट्रोल ऐप के बारे में, कैसे आप मनी कंट्रोल ऐप से किसी भी स्टॉक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो किसी भी बिगनर्स के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप मनी कंट्रोल ऐप से एक स्टॉक के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा मनी कंट्रोल ऐप का। सबसे ऊपर यहां आपको मनी कंट्रोल ऐप का नाम दिख रहा है। यहां पर ये जो तीन लाइन है ये मेन्यू है। इस मेन्यू पर क्लिक करके आप जो है यहां पर बहुत सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको दिख जाता है यहां पर सर्च बार, यहां से आप जो है सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को, म्यूचुअल फंड को, इंडेक्स को। तो यहां से आप सर्च करना हो जिस भी स्टॉक्स को, जिस भी कंपनी को, जिस भी इंडेक्स को, जिस भी म्यूचुअल फंड को, यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका अपना अकाउंट दिख जाएगा। यहां पर आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर आपको दिख जाएगा बहुत सारे स्टॉक्स जो है मूव कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहां पर टॉप न्यूज दिख जाएगा, आज का टॉप न्यूज क्या है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां से इंडेक्स दिख जाएगा आपको, इंडियन इंडेक्स। उसके बाद जैसे इसको लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो आपको ग्लोबल इंडेक्स दिख जाएगा। तो जो इंडेक्स है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। जैसे आप सेंसेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स पर क्लिक करेंगे। निफ्टी के इंडेक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं निफ्टी पर क्लिक करेंगे। निफ्टी बैंक पर इंडेक्स के बारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं या इस इंडेक्स के बारे में मतलब सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम सेंसेक्स पर क्लिक करते हैं, जैसे सेंसेक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री को कितना वेटेज दिया गया वो देख सकते हैं। यहाँ पर फिर फॉरम है, फॉरम पर भिन्न भिन्न एक्सपर्ट क्या व्यू रखते हैं सेंसेक्स के बारे में, ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, मार्केट का सीनेरियो कैसा होगा उस बारे में जान सकते हैं। और सबसे टॉप में आपको यहाँ पर जो है सेंसेक्स का अभी करेंट जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, मतलब सेंसेक्स इंडेक्स का अभी वैल्यू कितना है मार्केट में वो यहां से देख सकते हैं। आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन सेंसेक्स में कितना पॉइंट का गिरावट हुआ है या बढ़त हुआ वो देख सकते हैं। जैसे लाल निशान में है तो समझ जाना है कि उसमें गिरावट हुआ है, हरे निशान में जब हो तो मतलब उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, वृद्धि हुआ है उतने पॉइंट का। तो सेंसेक्स जो है पिछले ट्रेडिंग डे गिरावट हुआ है 260 पॉइंट का, वही यहां पर दिखाया हुआ है ब्रैकेट में कितने परसेंट का, तो -0.84% माइनस, मतलब उसमें गिरावट हुआ है या आप रेड चिन्ह में है तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि गिरावट हुआ है सेंसेक्स में। ब्रैकेट में परसेंटेज में है और उसके बगल में यहां पर पॉइंट में है। उसके बाद यहां से आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट पर कैसा सेंसेक्स का मूवमेंट है, कब गिरावट हुआ है, कब क्या है, टेक्निकल चार्ट यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप चार्ट देख सकते हैं जब का हो। जैसे 5 डे का देखना है तो यहां पर 5 डे पर आप क्लिक करेंगे, 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो 1 मंथ का चार्ट देख सकते हैं, 3 मंथ पर क्लिक करेंगे 3 मंथ का चार्ट देख सकते हैं, 6 मंथ पर क्लिक करेंगे 6 मंथ का, 1 ईयर पर क्लिक करेंगे 1 ईयर का चार्ट देख सकते हैं। 1 ईयर से अधिक का चार्ट देखना हो तो आपको इस चार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करेंगे वहां जाकर के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 ईयर से मैक्सिमम जितना दिन का देखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये उसके बाद यहां नीचे आते हैं तो ओपन प्राइस लास्ट ट्रेडिंग डे जो सेंसेक्स का ओपन प्राइस था वो था हमारा 30,822.78। और वहीं पर आप यहां पर बगल में देख सकते हैं यहां पर टू डेज लो हाई मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का जो लो और हाई पॉइंट था वो आप देख सकते हैं, 52 वीक हाई और लो देख सकते हैं कि पूरे साल भर में कितना लो बनाया है सेंसेक्स ने और कितना हाई बनाया है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस क्लोज मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उससे पिछले दिन सेंसेक्स का जो है क्लोजिंग प्राइस कितना था। उसके बाद फिर यहाँ से ईयर टिल डेट मतलब 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी 2020 से अभी तक का रिटर्न कितना है सेंसेक्स का, फिर 1 वीक का रिटर्न देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, 3 मंथ का देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, 2 ईयर्स का देख सकते हैं, 3 ईयर्स का देख सकते हैं रिटर्न। मतलब एक ही जगह आपको सारे चीज़ यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल ऐप पर देखने मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे तक आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से, जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मनी कंट्रोल ऐप पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज
30 डे का मूविंग एवरेज सेंसेक्स का क्या है, तो 31,269.48 है। वहीं आप 50 डे का मूविंग एवरेज यहां से देख सकते हैं, फिर यहां पर नीचे 150 डे का मूविंग एवरेज, फिर नीचे देख सकते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज। ये हो गया, अब स्टॉक पर क्लिक करते हैं। तो सेंसेक्स में जो कुल 30 स्टॉक्स है, कुल 30 स्टॉक कौन कौन से हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। ये कुल 30 स्टॉक है जो से सेंसेक्स जो हमारा इंडेक्स है, जिसको हम सेंसेटिव इंडेक्स बोलते हैं, ये इंडेक्स बना हुआ कुल इन 30 स्टॉक से, जिसमें देख सकते हैं महिंद्रा है, इन्फोसिस है। अगर आप इन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस स्टॉक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक के बारे में आप यहां से जान सकते हैं। महिंद्रा के बारे में जानना है तो महिंद्रा पर क्लिक कीजिएगा, इन्फोसिस के बारे में जानना है तो इन्फोसिस पर क्लिक कीजिएगा। तो स्टॉक के बारे में हम आगे चलकर जानेंगे, किसी भी स्टॉक के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब कौन कौन सी जानकारियाँ आपको मनी कंट्रोल ऐप से मिल जाएगी। अप्रोक्स आपको 99% जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि सेंसेक्स में किस इंडस्ट्री को कितना वेटेज दिया गया है। देख सकते हैं फाइनेंस का वेटेज जो है 24.68% है, टेक्नोलॉजी का 20.52% है, ऑयल गैस का 70.50% है। तो इस तरह से आप सारे जो सेक्टर्स है इसका वेटेज कितना है सेंसेक्स में वो देख सकते हैं, और सारा सेक्टर जो हमारा है देख सकते हैं आज कितना परसेंट अप डाउन रहा है, मतलब जो सेंसेक्स में वेटेज दिया गया उसके अनुसार कौन सा सेक्टर कितना परसेंट आज अप और डाउन हुआ है, मतलब कितना परसेंट का चेंज हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब सेंसेक्स निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। वही आप निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो निफ्टी के बारे में देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। निफ्टी में कौन से कुल 50 स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो 50 स्टॉक्स से बना है, तो कौन कौन 50 स्टॉक्स इसमें है इस इंडेक्स में यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन से इंडस्ट्री को कितना वेटेज दिया गया है निफ्टी इंडेक्स में वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस को 22.03% वेटेज दिया गया है, और आज हमारा बैंकिंग और फाइनेंस कितना पॉइंट चेंज हुआ इसमें ये यहाँ से देख सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का वेटेज कितना है निफ्टी में 19.04%, ये कितना परसेंट आज अप और डाउन था ये यहाँ से देख सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। फिर यहाँ फ्यूचर ऑप्शन इसका जो मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना पर ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस पर चल रहा है निफ्टी का। फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है निफ्टी का कितना प्राइस पे चल रहा है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फोरम है, यहाँ पर आप एक्सपर्ट का व्यू देख सकते हैं कि निफ्टी हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर फोरम पे आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ ग्लोबल इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। ग्लोबल इंडेक्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर में ग्लोबल इंडेक्स पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो विश्व के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग इंडेक्स आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, और उसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या प्राइस चल रहा है अभी, वो सारे यहाँ से देखने आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको देख सकते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन कुल स्टॉक्स जो एनएससी पे हैं, एनएससी पे कुल जो स्टॉक्स हैं कितने हैं, 1500 से ज़्यादा स्टॉक रजिस्टर्ड है, उसमें से 993 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं पिछले ट्रेडिंग डे, मतलब पिछला दिन जो बाज़ार जिस दिन खुला हुआ था, और 559 स्टॉक्स जो है वो क्या हुआ था उसमें तेज़ी देखने मिला था। तो 559 स्टॉक तेज़ी देखने मिला था, वहीं गिरावट कितने में था 993 स्टॉक्स में। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्टॉक एक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो देखने मिल जाएगा, जैसे टॉप गेनर्स कौन कौन से स्टॉक है वो देखने मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करते हैं टॉप गेनर्स पे तो सारे स्टॉक्स जिसने तेज़ी देखने मिला लास्ट ट्रेडिंग डे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, देख सकते हैं सारे स्टॉक जिसमें तेज़ी देखने मिला। फिर यहाँ पर टॉप लूजर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आप सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टॉप लूजर में कौन कौन से स्टॉक है यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर एक्टिव बाय वैल्यू, मतलब किसके प्राइस जो है ज़्यादा एक्टिव रहा वो सारे स्टॉक्स यहाँ मिल जाएंगे, मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज किस स्टॉक में देखा गया वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। एक्टिव बाय वॉल्यूम, किस स्टॉक का वॉल्यूम सबसे अधिक एक्टिव रहा, मतलब किस में ह्यूज वॉल्यूम देखा गया वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर 52 वीक हाई, मतलब कौन वैसे स्टॉक है जो अपने अधिकतम प्राइस पे चल रहे हैं इस साल, मतलब अपने एक साल के अंदर के अधिकतम प्राइस पे है। तो समझ सकते हैं इस गिरावट वाले मार्केट में जहाँ सारे स्टॉक्स में गिरावट देखा गया 50% अधिकतर स्टॉक में, वहीं 52 वीक हाई पर चलने वाले भी कुछ स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स यहाँ से देख सकते हैं किस स्टॉक्स कौन सा स्टॉक्स मतलब अपना
52 वीक हाई बना रहा है, फिर 52 वीक लो, मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने साल के न्यूनतम प्राइस पे चल रहा है, सबसे न्यूनतम दाम पे चल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। फिर ओनली बायर्स, वैसे स्टॉक जिसमें केवल और केवल बायर है, मतलब जिसमें जो इन्वेस्टर है उसका रुचि बहुत अधिक है अभी स्टॉक को बाय करने का, वैसे स्टॉक यहाँ देख सकते हैं। फिर ओनली सेलर, जिस स्टॉक को हर कोई बेचना चाहता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ओनली बायर्स, जिसे हर कोई खरीदना चाह रहा है, ओनली बायर्स है उसमें, सेलर कोई है ही नहीं, मतलब इस स्टॉक को कोई बेचना चाहता ही नहीं है, वही सेलर जिसमें कोई बाइंग करना चाहता ही नहीं है, तो केवल और केवल सेलर जिसमें है। तो इस तरह से आप यहां से स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं, जो भी स्टॉक हो उस स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो उस स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर देख सकते हैं माय वॉच लिस्ट, यहां पर आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। हम अपना वॉच लिस्ट क्रिएट किए हुए हैं, देख सकते हैं अभी उसमें एक ही स्टॉक हमने ऐड किया है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप और सारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। फिर माई पोर्टफोलियो, हमारे अपना पोर्टफोलियो यहाँ बनाया हुआ है, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर्स हैं तो यहां पर आप सीख सकते हैं, मतलब अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो यहां पर बनाएंगे, स्टॉक को ऐड करेंगे, स्टॉक को किस प्राइस पे आपने बाय किया वो ऐड करेंगे, फिर आगे उसमें देख सकते हैं कैसे प्राइस आगे जाता है या नीचे जाता है, उसके अनुसार आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है वो यहां से आप सीख सकते हैं। फिर आप अपने ओरिजिनल अकाउंट में, जो भी ब्रोकर में आप जीरोधा में, अपस्टॉक में, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया, वहां पर जाकर के आप फिर बाइंग कर सकते हैं। यहां पर आप वर्चुअल रूप से करके आप सीख सकते हैं कैसे शेयर अप जाता है, डाउन जाता है। फिर है स्टॉक्स लास्ट विजिटेड, आपने जो भी स्टॉक मनी कंट्रोल पर सर्च किया, जो भी स्टॉक को आपने देखा, वो सारा आपको यहां पर दिखाएगा जो लेटेस्ट स्टॉक होगा। तो लेटेस्ट में देख सकते हैं इंफोसिस पे हमने क्लिक किया था, वो दिखा रहा है, फिर HUL दिखा रहा है, रिलायंस दिखा रहा है, ये सब लेटेस्ट स्टॉक है जिसको मैंने यहां पर सर्च किया है, जिसके बारे में हमने यहां से इंफॉर्मेशन लिया है, तो वो सारे स्टॉक्स यहां पर दिखाएंगे जो लेटेस्ट स्टॉक होंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर कमोडिटी और करेंसी है, तो यहाँ पर आप कमोडिटी और करेंसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस अभी क्या चल रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर करेंसी का प्राइस क्या चल रहा है, US डॉलर INR के वर्सेस क्या चल रहा है, यूरो जो है हमारा INR के वर्सेस कितना, मतलब आज चेंज हुआ है या किस प्राइस पर चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप नीचे आएँगे, तो जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने मिल जाएंगे, देख सकते हैं म्यूचुअल फंड पे, यहाँ पर आप लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो हाइब्रिड फंड, सबसे पहले इक्विटी फंड था, फिर हाइब्रिड फंड, फिर डेप्ट फंड, यहाँ से क्लिक करेंगे तो SIP कॉर्नर, तो यहाँ से देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएंगे या बहुत सारे ओपिनियन मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट अभी जो कंडीशन है ग्लोबल कंडीशन उसके बारे में देखते हुए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर गेट एक्सपर्ट एडवाइस, यहाँ से आप एक्सपर्ट का एडवाइस ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट का नेम और यहाँ पर वो किस टॉपिक पे अपना एडवाइस देंगे आपको, वो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारा हो गया, उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पर सर्च करेंगे। अगर आपने निफ्टी में या सेंसेक्स में जो स्टॉक है उसे देखने के लिए आपने सीख लिया कि हम इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, इस इंडेक्स में जैसे निफ्टी पर क्लिक किए, इसमें जो भी स्टॉक्स होगा उसको हम खोज करके उसके बारे में जान लेंगे। लेकिन जो स्टॉक्स निफ्टी में और सेंसेक्स में नहीं है, या कहें जो और सारे हमारे इंडेक्स हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, यहाँ से आप मिड कैप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50, तो ये सारे इंडेक्स में जो स्टॉक्स नहीं है उसको कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे उस स्टॉक को। जैसे हम यहाँ पर चलिए टाइप कर लेते हैं HUL, टाइप कर लेते हैं HUL, टाइप किए, सर्च कर दिए। जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पर सजेस्ट करेंगे, तो आपको HUL जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करना लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये HUL स्टॉक्स है, हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे हमारा HUL स्टॉक्स आ गया। अब यहाँ HUL स्टॉक्स जो आया तो सबसे पहले यहाँ इसका नेम दिखाएगा, फिर यहाँ पर इसका जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है वो दिखाएगा, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे है किस प्राइस पर क्लोज हुआ है वो दिखाएगा।
तो ये हमारा HUL का जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है वो है 1987.90 रुपीज़। फिर यहाँ पर ये लास्ट ट्रेडिंग डे ये कितना रुपीज़ अप था या डाउन था वो दिखाएगा, तो 17 रुपीज़ ये अप था, उसी का परसेंटेज में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 0.86%, जो कि प्लस में दिखा रहा है, प्लस मतलब इसका प्राइस अप मूव किया है, वहीं हमारा माइनस दिखाएगा जब इसका प्राइस डाउन जाएगा। तो जब इसमें गिरावट आएगा तो माइनस में आपको दिखेगा और जब अप जाएगा तो प्लस में दिखेगा, या कहें जब अप जाएगा तो ग्रीन में दिखेगा और जब डाउन जाएगा मतलब इसमें करेक्शन आएगा तो आपको रेड कलर में दिखेगा। तो कलर से भी आप पहचान सकते हैं और यहां नीचे आपको डेट भी लिखा हुआ मिल जाएगा ये किस ट्रेडिंग डे का प्राइस है। तो देखते हैं 22 मई का है और आज है हमारा जो वीडियो बन रहा है 24 मई है, तो दो दिन पहले ही मार्केट हमारा ओपन हुआ था और आज संडे है, कल हमारा सैटरडे था तो फ्राइडे का ही ये प्राइस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं राइट साइड, तो यहाँ पर आपको प्लस साइन दिखता है, मतलब प्लस पर क्लिक करेंगे तो HUL जो है आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा BSE NSE हमारा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आपको कौन सा स्टॉक एक्सचेंज पे इसका प्राइस देखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यह NSE सिलेक्टेड है, आप हम BSE पर क्लिक कीजिएगा तो इसका प्राइस जो है आप देख सकते हैं चेंज हो गया, ये हमारा BSE का प्राइस है, पहले क्या था NSE का प्राइस। BSE के प्राइस पर देखते हैं 17.50 रुपीज़ अप है और NSE पे क्या था, सिर्फ 17 रुपीज़ ये अप था। तो जैसे हम फिर से NSE पे क्लिक करते हैं देखते हैं फिर से ये NSE का प्राइस हो गया। तो BSE पर इसका प्राइस जो है ज़्यादा है, NSE पे कम है, क्योंकि दोनों स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग है। तो BSE और NSE प्राइस अलग अलग क्यों होता है किसी और वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आज कितना बाय हुआ कितना सेल हुआ, उसका टोटल जो क्वांटिटी है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब टोटल कितना से बार ये हमारा मतलब टोटल कितना शेयर HUL का बाय हुआ और सेल हुआ वो वॉल्यूम दिख जाता है यहाँ पर। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब जैसे ओवरव्यू, यहाँ पर एक हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आ जाता है ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, न्यूज और रिसर्च देख सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे बैलेंस शीट देखना हो, फिर कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग देखना हो, यहाँ से आप सारे इस ऑप्शन पर जाकर के देख सकते हैं। तो बारी बारी से हम उस पर चलेंगे, नीचे आते हैं तो नीचे आपको इसका चार्ट दिख जाता है, तो चार्ट यहां से वन डे का दिख रहा है आपको, 5 डे पे यहां पर क्लिक करेंगे 5 डे का चार्ट दिखेगा, 1 मंथ पे क्लिक करेंगे 1 मंथ का चार्ट, 3 मंथ पे क्लिक कीजिएगा 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ पे क्लिक कीजिएगा 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर पे क्लिक कीजिएगा 1 ईयर का चार्ट, और अगर 1 ईयर से अधिक का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको इसी चार्ट पे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ जाकर के आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको 5 ईयर्स का चार्ट देखना है, 3 ईयर्स का देखना है, या 5 ईयर्स से मैक्सिमम का देखना है, वो चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ कुल 2000 ईस्वी तक का चार्ट आपको दिखा देगा, अभी प्रेजेंट से पीछे के 2000 ईस्वी तक का चार्ट, मतलब 20 साल का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपको बिड प्राइस, देखते हैं बिड प्राइस होता है कि कितना प्राइस पर कोई बाय करना चाहता है, तो बिड प्राइस होता है बाय करने वाला प्राइस। तो देखते हैं अभी मार्केट क्लोज हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर बाइंग प्राइस लगा हुआ है, और ये बाइंग प्राइस कितना है 1987.90 रुपीज़ है, और कितना क्वांटिटी है ब्रैकेट में यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है, इस प्राइस पे 690 क्वांटिटी बाय करना चाहता है। तो जो बायर्स है वो किस प्राइस पे बाय करना चाहता है उसको बिट प्राइस बोलते हैं, कितना क्वांटिटी बायर्स बाय करना चाहता है 690, तो वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ है ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस होता है सेलर कितना प्राइस पे सेल करना चाहता है इस स्टॉक को, तो सेलर का प्राइस अभी 0 है, मतलब कोई भी सेलिंग के लिए क्वांटिटी लगाव नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो सेलर कोई भी अभी नहीं है इसमें मार्केट क्लोज होने के बाद। आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हैं सेल करने का, जिसे हम AMO ऑर्डर कहते हैं, तो अभी कोई क्वांटिटी इसमें नहीं लगा हुआ है। फिर आता है प्रीवियस क्लोज, मतलब प्रीवियस क्लोज मतलब ये 22 मई का जो हमारे प्राइस दिख रहा है उससे पिछले दिन मतलब 21 मई को कितना पे क्लोज हुआ था ये स्टॉक, वो है 1970.90 रुपीज़। इतना पर हमारा पिछले दिन क्लोज हुआ था, क्लोजिंग टाइम हमारा होता है 3:30 पर हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद 3:30 से 4 o'clock तक सेटलमेंट टाइम होता है, तो सेटलमेंट टाइम में भी प्राइस चेंज होता है। तो जनरली जो आपको प्राइस दिखेगा वो दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पर कितना पर 15:59, मतलब 4 बजे
से एक मिनट पहले, तो इस टाइम पर जो प्राइस होता है 3:59 पर वो होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। लेकिन हम जनरली समझते हैं कि 3:30 पर जो प्राइस होता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस, ऐसा नहीं है। उसके बाद सेटलमेंट टाइम होता आधे घंटे का, मतलब 3:30 से 3:59 तक, तो 3:59 पर जो प्राइस होता है वो क्लोजिंग प्राइस होता है। तो समझ सकते हैं क्लोजिंग प्राइस ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद ओपन प्राइस, मतलब 22 मई को जब फिर से ये खुला तो कितने पर ओपन हुआ, 1975 पर, मतलब समझ सकते हैं ये 4.10 रुपये ऊपर ओपन हुआ। इसे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग। तो कितना का गैप अप ओपनिंग था, 4.10 रुपये का, मतलब पिछले दिन का 21 मई का जो क्लोजिंग प्राइस था 1970.90 रुपये, उससे 4.10 रुपये ऊपर, मतलब 1975 रुपये पे हमारा अगले दिन HUL का शेयर ओपन हुआ। तो 4.10 रुपये इसका गैप अप ओपनिंग प्राइस था। उसी तरह से गैप डाउन ओपनिंग भी होता है कि जब यह हमारा 1970 पे क्लोज हुआ, अगर ये 65 पे ओपन होता तो उसे गैप डाउन ओपनिंग कह दे। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट साइड, तो यहाँ पर होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब जो टोटल प्राइस जितना का हमारा HUL का ट्रेड हुआ, बाय और सेल हुआ, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जो इसका एवरेज प्राइस था HUL का वो कितना था 22 मई को, 1979.42 रुपीज़। उसके बाद टूडेज हाई लो, मतलब 22 मई को जो ये हाई बनाया और जो लो बनाया, तो लो बनाया कितना का 1958 रुपये का और हाई बनाया 1995.05 रुपये का। उसके बाद 52 वीक लो हाई, 52 वीक, मतलब एक साल का जो हाई प्राइस है और जो लो प्राइस है, एक साल का हाई प्राइस देख सकते हैं और लो प्राइस था 1659.05 रुपये, और जो एक साल का हाई प्राइस है वो 2614.30 रुपये। तो ये हो गया 52 वीक हाई और लो प्राइस। उसके बाद देख सकते हैं जो लोअर प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड, बैंड हो गया मतलब कि इसी बीच स्टॉक मूव कर सकता है नीचे के प्राइस तक और ऊपर के प्राइस तक। तो ये नीचे के प्राइस जहां तक मूव कर सकता था वो था हमारा 1791.80 रुपये, और ऊपर के प्राइस तक जहां मूव कर सकता वो था 2189.90 रुपये तक। लेकिन याद रहे कि जो स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट में होता है, मतलब जिसका फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल होता है, उसमें कोई भी प्राइस बैंड नहीं होता है, उसमें कोई भी प्राइस बैंड नहीं होता है, और सभी स्टॉक्स के लिए प्राइस बैंड होता है, जो प्राइस बैंड आपको यहां पर मनी कंट्रोल में देखने मिल जाएगा। तो सभी स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट में नहीं होते हैं, वैसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ज़्यादातर वैसे स्टॉक ही डेरिवेटिव मार्केट में होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर स्टैटिक्स आपको मिल जाएगा। स्टैटिक्स दो प्रकार का, स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर स्टैंड लोन स्टैटिक्स को देखेंगे, और बगल में आपको ब्लू में जो मिल जाएगा ये हमारा कंसोलिडेटेड स्टैटिक्स है। इसका सबसे पहले आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप होता है जो करेंट मार्केट प्राइस है HUL का मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। जब HUL के शेयर को के प्राइस को जो करेंट प्राइस है, इसको हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, तो करेंट प्राइस है या कहें मार्केट प्राइस HUL का 1987.90 रुपीज़। तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो है HUL का, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो HUL का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है हमारा 4,67,050 करोड़, 4,67,050 करोड़। तो इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है HUL का। उसके बाद यहाँ पर बगल मिल जाता है अर्निंग पर शेयर EPS, और जो बगल में TTM है उसका मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने का EPS है जो है 28.68, मतलब एक शेयर पर इतना रुपीज़ का अर्निंग हुआ है HUL शेयर में कंपनी को। उसके बाद आता है हमारा डिविडेंड, नीचे देख सकते हैं डिविडेंड जो कि परसेंटेज में है, 2500% का डिविडेंड दिया है HUL एक साल में। उसके बाद PC रेशियो को हम आगे जानेंगे। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, मतलब जो करेंट प्राइस है या मार्केट प्राइस है उसका कितना परसेंट जो है डिविडेंड HUL दिया है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड होता है करेंट प्राइस या मार्केट प्राइस से कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया है इन्वेस्टर को,
और जो डिविडेंड होता है ये हमारा दिया जाता है फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 1% है, तो 1 रुपीज है फेस वैल्यू, तो 1 रुपीज का कितना परसेंट दिया गया है, 2500%, मतलब 25 रुपीज डिविडेंड दिया गया है HUL के इन्वेस्टर को एक शेयर पर। उसके बाद पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं, पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है उसको हम इसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख सकते हैं 28.68 है, तो ये हमारा आ जाएगा पी रेशियो। उसके बाद फेस वैल्यू आपने देख लिया, 1 रुपीज़ है फेस वैल्यू HUL का। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इसका जो एक शेयर का प्राइस है HUL का और उसके बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। उसके बाद बीटा देख सकते हैं, बीटा बताता है स्टॉक कितना वोलेटाइल है, तो बीटा इसका 0.70 है, एक से कम है, मतलब इस स्टॉक में वोलेटिलिटी कम है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होता है हमारा जो एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज, तो इसका एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज कितना है, 34.26 इतना करोड़ इसका हमारा बुक वैल्यू है HUL का। उसके बाद इंडस्ट्री PE, इंडस्ट्री का जो पी है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है हमारा 59.93। इंडस्ट्री का जो पी है देख सकते हैं 59.93 है और इसका जो पी था हमारा देखते हैं 69.31। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी मतलब जो हमारा HUL का शेयर है उसका कितना परसेंट क्वांटिटी डिलीवर हुआ है, तो 56.38% क्वांटिटी डिलीवर हुआ है HUL के शेयर का। यहाँ नीचे आते हैं तो आपको इस स्टॉक का स्ट्रेंथ दिख जाएगा, इस स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या है। फिर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है कि ट्रेंड क्या है इस स्टॉक का, इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो वेरी बेयरिश है। तो देखते हैं इस स्टॉक का जो ट्रेंड है मतलब सारे एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पर स्टॉक अलर्ट, स्टॉक अलर्ट में आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो दिख जाएगा यहाँ पर, या कोई भी बल्क डील या ब्लॉक डील हुआ है तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ब्लॉक डील हुआ है हमारा, तो HUL में जो ब्लॉक डील है वो आपको यहाँ पर देखने मिल गया, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा वो आपको देखने मिल जाएगा। फिर नीचे आते हैं तो इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है 1 वीक में वो देख सकते हैं, 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 3 मंथ में कितना दिया है, 6 मंथ में कितना दिया है, 1 ईयर में कितना दिया है वो देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट इन्फो नीचे दिया गया है, BSE पे किस नाम से ये रजिस्टर्ड है, NSE पे किस नाम से रजिस्टर्ड है, फिर ISIN यहाँ पर इसका देखने मिल जाएगा, फिर सेक्टर इसका कौन सा है, पर्सनल केयर इसका सेक्टर है HUL का। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन थे जो कि आपको पहला ओवरव्यू में देखने मिल गया। फिर यहाँ पर आप चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है उसके बारे में, तो फीचर में चलते हैं। जैसे आप फीचर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फीचर कॉन्ट्रैक्ट इसका जो ट्रेड हो रहा है, 3 फीचर कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों का यहाँ प्राइस देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और ऑप्शन चेंज जो हमारा ये इसका एक्सपायरी है 28 मई एक्सपायरी का। फिर दूसरा एक्सपायरी हमारा है जून 25, 2020 का, उस एक्सपायरी का आप कॉल पुट और ऑप्शन चेंज यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन से प्राइस पर मतलब किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम चल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पुट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ऑप्शन चेन पे क्लिक करके ऑप्शन चेन सारा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है न्यूज़ एंड रिसर्च का, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स इसके बारे में जो टारगेट देते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे तो इस स्टॉक का जो डिफरेंट टेक्निकल्स क्या कहता है वो देख सकते हैं। देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्या कहता है, टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहता है, MA क्रॉसओवर क्या कहता है इस स्टॉक के बारे में, यहाँ से पिवट लेवल देख सकते हैं कि इसका पिवट लेवल क्या है। फिर यहाँ पर अगला आपको ऑप्शन मिल जाता है फोरम का, फोरम पर क्लिक करके आप यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के बारे में राय देख सकते हैं। और फोरम में ये भी देखते हैं 86% लोग इसमें बाइंग का रेटिंग दे रहा है, 7% लोग जो है इसमें सेलिंग का मतलब बता रहा है, और 7% लोग न्यूट्रल हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर फोरम पर आकर के आप डिस्कस करते हैं, आप अपना राय भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट डिप्ट आता है, यहाँ पर लिक्विडिटी दिख जाएगा, कितना बाय क्वांटिटी कितना सेल क्वांटिटी है HUL का, लेकिन ये तब दिखेगा जब मार्केट आपका चल रहा है मतलब जब मार्केट लाइव है या कोई भी जो है मार्केट AMO ऑर्डर लगा हुआ है तो आप यह देखने मिल सकता है।
फिर कॉर्पोरेट एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बोर्ड मीटिंग कब कब इसका होए ये देख सकते हैं, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट पता होने चाहिए आपको कब आने वाला है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये स्टॉक्स का डिविडेंड कितना है, कितना परसेंट डिविडेंड ये हर साल दिया है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले सालों में जो पीछे का ईयर्स बीत गया उसमें कितना परसेंट का ये डिविडेंड दिया है, कितना रुपीज डिविडेंड दिया है यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर बोनस कब कब दिया है ये कंपनी ये देख सकते हैं, स्प्लिट कब हुआ स्टॉक वो देख सकते हैं, राइट इश्यू कब कब लाया था ये कंपनी ये देख सकते हैं, इसका एजीएम ईजीएम कब कब हुआ है, किस डेट पे हुआ वो देख सकते हैं। बोनस यहाँ से देख सकते हैं कि 1:2 का बोनस, 1:1 का बोनस। फिर यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो कब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ वो देख सकते हैं, 2000 ईस्वी में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है 10 से 1 रुपया फेस वैल्यू तक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल आप इसका देख सकते हैं, इसका बैलेंस शीट यहां से देख सकते हैं, फिर यहां से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का देख सकते हैं, फिर फाइनेंशियल रेशियो इसका देख सकते हैं, फिर यहां से पीर कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसी सेक्टर के अन्य स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक बेहतर है, हमारा एचयूएल बेहतर है या इस सेक्टर के अन्य स्टॉक्स जो है वो बेहतर हैं। तो यहाँ पर आ करके आप जैसे डाबर इंडिया है उससे कंपेयर कर सकते हैं, कॉलगेट से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इस सेक्टर के जो जितने भी स्टॉक्स हैं, जो गोदरेज कंज्यूमर है उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो सारा पीर कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर शेयर होल्डिंग देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास कुल 61.9% शेयर है जो हमारा अप्रैल 2020 का डाटा है उसके अनुसार, मार्च 2020 का ही अप्रैल 2020 का ही जो डाटा देखना है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लेस्ड शेयर 0 है, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। एफआईज का होल्डिंग कितना है देख सकते हैं 12.1%, डीआईज का होल्डिंग कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक इसका कितना है, इंश्योरेंस कंपनी का कितना है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कितना है, डीआईज का कितना है, फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है अदर्स में आ गए उसका इसमें कितना परसेंट होल्डिंग है, तो सारा यहाँ से देख सकते हैं। तो मतलब एक स्टॉक के बारे में जो पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया किसी इंडेक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ से आप वर्चुअल अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, अपना वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्चुअल पोर्टफोलियो, क्योंकि आप नए हैं तो उसको सीखने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए यहाँ से वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट है, इस ईमेल आईडी से हमने बनाया है, यहाँ पर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो चलिए पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें स्टॉक में बनाया है। तो यहाँ पर स्टॉक पे हम क्लिक करते हैं, तो हम भी नए जब थे तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बना करके सीखते थे, यहाँ पर उसी तरह आप भी सीख सकते हैं। जैसे यहाँ का जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें हमने एचयूएल को ऐड किया है, टीसीएस को, लाल पैथ लैब को, रिलायंस को, बजाज फाइनेंस को, देख सकते हैं किस प्राइस पे हमने बाय किया, सब चीज़ ऐड किया है। तो अगर यहाँ से पोर्टफोलियो बनाना हो तो स्टॉक को कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आइकन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, आपको स्टॉक को ऐड करके दिखाते हैं। जैसे प्लस आइकन पर क्लिक किए यहाँ कंपनी का नाम डालिएगा, चलिए हम SBI को ऐड कर देते हैं, चलिए SBI हमारा आ गया, SBI पर हमने क्लिक कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट डेट, तो हम पिछला कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम 19 मई को सेलेक्ट कर लिए, ओके पर क्लिक करेंगे, 19 मई का जो प्राइस था वो यहाँ अपना आप ऐड हो गया। अब क्वांटिटी आपको डालना है, कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी हमने लिया था इसका, 10 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ सेव पर आप क्लिक कर देंगे, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, स्टॉक ऐड हो गया। चलिए तो हम यहाँ देख सकते हैं SBI हमने ऐड किया, यहाँ पर SBI आ गया। अभी SBI को हमने जिस प्राइस पे बाय किया था उसके अनुसार हमारा अभी -11 दे सकते हैं, जो पिछला ट्रेडिंग डे था उस दिन ये -11 रुपीज़ हमें लॉस करा दिया। तो इस तरह से आप यहां पर टोटल जो हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं इतना माइनस में है, देख सकते हैं एक दिन में 431 रुपया माइनस में है, ओवरऑल जो है -2150 रुपीज़ डाउन है जो हमने पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया। इसी तरह से आप लगातार अपना ट्रैक कर सकते हैं कि एक दिन में कैसे आपका पोर्टफोलियो अप जाता है, डाउन जाता है, एक लॉन्ग अवधि में कितना अप जाता है, कितना डाउन जाता है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब इस ऐप के बारे में आप लगभग हर इन्फॉर्मेशन को सीख गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे।